Hey everyone, welcome back to my channel. I am Farah Yasir from Farah Yasir Tarot. कैसे हैं आप? इंशाल्लाह खुशहाल और आबाद होंगे. पहले तो हम प्रेयर करते हैं कि जो भी हमारे इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, कमेंट करने वाले हैं, लाइक करने वाले हैं, उन्हें बगैर किसी दिक्कत और बगैर किसी मुश्किल के आने वाला जो उनका वक्त है ड्यूरिंग द रमजान और आफ्टर दैट, और जो भी वो इस उनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं, मैं प्रेयर करूंगी गॉड से, डिवाइन से, अल्लाह से, ईश्वर से कि आपकी मुश्किल जल्द अज जल्द आसान हो जाए. और अगर आपको रीयूनियन हमारी वीडियोस देखने के बाद मिलता है सो दैट्स मीन कि आप सही चैनल के ऊपर हैं. और आपको साथ अगर 40% भी रीड मिल जाती है 30% जनरल में, तो सोचें कि आपको डिवाइन आपको अपॉइंट करना चाहते हैं कि आप एक सही चैनल पर हैं. ठीक है, आज हम देखते हैं उनके दिल और आपके दिल और उनके दिमाग में और आपके दिमाग में क्या चीज़ चल रही है. एक तरफ आपकी एनर्जी होगी, एक तरफ आपके पर्सनल के एनर्जी होगी. और जो लोग सिंगल्स हैं वो भी देख सकते हैं, राइट हैंड साइड पर मैं उनकी एनर्जी रख दूँगी. ठीक है, देखते हैं. 1 2 हाँ, आज के दिन आप कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्पेल वजीफ़ा करते हुए नज़र आ रहे हैं, टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं. आपके दिल में कुछ है, आपके माइंड में कुछ और हैं जो मुस्तकिल चल रही हैं आपकी लाइफ में. आप इस एनर्जी से बाहर आने के लिए स्पेल करवा रहे हैं या कर रहे हैं, वजीफ़ा कर रहे हैं, कुछ भी मंत्र पढ़ रहे हैं, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है. कोई सेक्सुअल एनर्जी भी हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स हो सकती हैं टूवर्ड्स अपने हस्बैंड, दोस्त, बॉयफ्रेंड, जिसको भी सोचकर आपने रीडिंग देखना शुरू की है, या आप उनके बारे में इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो जाएगी. ओवरऑल अगर हम देखें एनर्जी क्या है, कोई कार्मिक ट्रिगर मिल सकता है बहुत सारे लोगों को. कार्मिक ट्रिगर क्या होता है? ऐसे लोग जो जिनका आपका लेन देन काफ़ी रह गया है, पास्ट लाइफ ले लो, यानी गुजरे कोई भी ऐसे बॉस हो सकते हैं, हाउस हेल्प हो सकती हैं, कोई सर्वेंट हो, कोई घर का कोई बंदा हो, बड़ा हो, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ट्रिगर कर सकते हैं, यानी कुछ होगा, या कोर्ट कचहरी है अगर, या अगर आपका इंटरव्यू है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों के. अगर आप पोस्टपोन कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर कॉन्फिडेंस इज़ द की. कोशिश करें कि अगर किसी सैयद को मानते हैं उनके पास ले जाएं, जो आप जिनको मानते हैं, अल्लाह ताला के साथ बहुत अच्छा बाउंड है, अच्छी बात है, ईश्वर से आपका अच्छा बाउंड है, वेरी गुड, ठीक है ना, ये आपकी तरफ वाइब्स हैं, तो उनको जेस्चर दे के, ग्राउंडेड हो के, नज़र नज़र फातिया दान करके फिर जाइएगा तो फिर बेहतर हो सकता है. साथ ही साथ फेयर है आपको बहुत ज़्यादा किसी से डर जाएंगे, या तो किसी झगड़े से, या तो किसी कोई खौफ चीज़ का खौफ है, कोई किसी को खोने का या किसी से हार जाने का, बहुत कोई चीज़ का फेयर है. और मनी लॉस भी नज़र आ रहा है मुझे साथ साथ, ठीक है. रात को जैसे सोना नहीं, दो दो तीन तीन बजे तक जागते रहना, कुछ सोचते रहना, दिमाग में कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ नींद होती है जैसे पूरी नहीं हो पाती है, सुबह उठ के कुछ भारी होता है, सर भारी रहता है, फुट सूज जाते हैं समटाइम, कुछ समझ नहीं आ रहा है बेसिकली, क्योंकि क्लियर नहीं हो रहा है. यू नीड क्लैरिटी, तो अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं, यू कैन गेट योर प्राइवेट रीडिंग विद योर नेम, विद योर नेम, विद योर मदर नेम, विद योर पर्सन नेम. इसके बगैर तो आपको कोई भी दुनिया में कुछ नहीं बता सकता, ठीक है. इसके अलावा आज का दिन आपकी लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली स्मूथ एनर्जी नहीं आ रही है कोई ना, कोई इनजस्टिस हुआ है आपके साथ कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ अच्छा जस्टिस हो जाए, ठीक है. लेकिन वाइब्स नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी स्ट्रेंथ है, फिर भी थोड़ा पॉजिटिविटी नज़र है कुछ लोगों के लिए, लेकिन 70% लोगों के लिए नेगेटिव है आज के दिन. आपका कोई फेवर में चीज़ें नहीं आती हुई मुझे नज़र आ रही हैं आज के दिन. जब भी आपको दिखे वीडियो, उस दिन की होगी, उस टाइम की होगी, उस समय की होगी आपके लिए. डे ड्रीमिंग्स भी नज़र आ रही हैं बहुत सारे लोगों को, दिन में सोच में घूमे जा रहे हैं, मैं यूँ कर दूँगा, आएंगे तो मैं ऐसा कर लूँगी, मैं यूँ कर दूँगा, मैं ऐसा कर लूँगी, हम ऐसे करेंगे, समथिंग. दिन में सोते हैं, सबको आप देख रहे हैं, एनर्जी रेजोनेट कर सकती है.
आपके पर्सन की तरफ देखते हैं। ओ पेज ऑफ वन ओके ओ गॉड ओ गॉड आज के दिन इनकी लाइफ भी पॉजिटिव नहीं है। वाइब्स जो हैं कुछ ख़त्म होने वाला है, आप या तो आपके बीच में या उनकी फैमिली के बीच में कुछ ख़त्म होगा, या तो आप जाएंगे या तो फैमिली में जाएगा। कोई झगड़ा करना, रेड फाइट की एनर्जी है, भड़कावे में आ जाना, यू नो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को खो देना, सेक्रीफाइस की जाना बहुत ज़्यादा है। या तो आपको छोड़ देंगे या तो जो ज़्यादा कमज़ोर होगा, जिसे नो कॉन्टैक्ट होगा, उनका रिश्ता ख़त्म हो सकता है। गॉड ना करे, लेकिन वाइब्स यही हैं। और ना करवाएं आप लोग अपनी जो है ना, अब वेट करें ताकि अब रिश्ता ख़त्म होने की नौबत आ रही है। बैड न्यूज़ भी हैं आपकी तरफ भी और उनकी तरफ ही। कोई चीज़ आपको बैड न्यूज़ मिलेगी आज के दिन में, कुछ वाइब्स हैं इसमें। कुछ लोगों के लिए कुछ रिन्यू होने वाला है परमानेंटली। इसके बाद ही कुछ नया शुरुआत करेंगे वो, कुछ न्यू बिगनिंग, ठीक है ना। पेज ऑफ वांड के साथ कुछ लव लाइफ में ख़त्म होगा और फिर शुरू होगा। या तो आप एंड होंगे, कोई नया रिश्ता शुरू होगा, या तो आप के साथ नया रिश्ता शुरू होगा। ये तो प्राइवेट में पता लगेगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। क्लैरिफाई करेंगे बाद में। इसके अलावा एक्सप्रेसिव हो सकते हैं कुछ लोगों को, गुड न्यूज़ भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ एक्सप्रेस होते हुए नज़र आ रहा है, लव समथिंग, या ऑफिस में कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है उनके, आप लोगों के पर्सन्स को। कोई बिना सोचे समझे को डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, जैसे वो ले लेते हैं। डिसाइड करने के बाद जो है ना, गुस्सा ठंडा हो जाता है तो फिर वो सोचते हैं कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया, तो वो यही वाला फ़ैसला आज कुछ लेंगे। मैं दुआ करूँगी, तो देखते हैं कि क्या वो नुकसान आपको ना हो जाए। मेरी तो दुआ है खुदा ना करे कि ऐसा हो, डिवाइन ना करे कि ऐसा हो। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्या डिवाइन हमें कोई स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं। एंजल अबंडेंस से देखेंगे। भी बहुत ही डिफरेंट हुई है आज की, तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या कार्ड आएगा। अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा और अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करते रहिएगा, सोचते रहिएगा। लेट्स सी कि क्या एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ बहुत कुछ अच्छा आना चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है ये ले लेते हैं। ओके आपका जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप बहुत ज़्यादा सबकॉन्शियस में अपने प्लान्स बना रहे हैं, ये मत बनाइए। क्योंकि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि जो आपके जो प्लान्स हैं वो गॉड के प्लान्स से बहुत डिफरेंट हैं। सो डू एज गॉड से, और आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है राइट नाउ। लेट्स सी किस चीज़ का प्रोटेक्शन एंजल्स। ओके You deserve the best reach for the star force, your dream and desire, and don't compromise. ठीक है, हम जो ये होती है फराह याजिर की रीडिंग, ठीक है ना, कि एंजल्स मैसेज भी वही आते हैं जो जो हम रीडिंग कर रहे होते हैं, कि आप बहुत अच्छी चीज़ डिज़र्व करते हैं, तो अपनी डे ड्रीमिंग नहीं करें, थोड़ा वेट करें। और आई थिंक आप लोगों को हीलिंग सेशंस लेने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। एग्जैक्टली देख लें, हीलिंग सेशन कहते ही हीलिंग का कार्ड आ गया। हाँ, अगर आप योगा करें तो बेहतर है, एक्सरसाइज करें तो बेहतर है। नहीं कर सकते तो स्पेशली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको प्राइवेट हीलिंग सेशंस मेरी असिस्टेंट हैं वो देती हैं। एंड आई मस्ट से कि जब मैं भी बहुत स्ट्रेस्ड होती हूँ तो आई विल टेक फ्रॉम मीरा, सो शी हैज़ द बेस्ट, मतलब हीलिंग सेशंस वो हमें देती हैं। तो जो अल्लाह का शुक्र है, डिवाइन का बहुत शुक्र है, स्ट्रेस कम ही होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो वील बैक टू द मीरा। तो अब आप मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट रीडिंग किस हवाले से आप लोग देखना चाहते हैं, मैं भी और कंटिन्यू करूँगी। अब लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, प्राइवेट रीडिंग्स ओनली पेड होती हैं, याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।